हेलो एंड वेलकम गाइस, टुडे वी विल स्टडी सेकेंड पार्ट ऑफ द साउंड ऑफ म्यूजिक नेम्ड ए द सनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान ऑफ क्लास 9 इंग्लिश लिटरेचर अंडर बीही. फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट स्टिल वॉच्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट देन प्लीज क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. फ्रेंड्स, उस्ताद बिस्मिल्ला खान जो कि सहनाई वादन के लिए न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी अपनी पहचान रखते हैं. जब भी सहनाई की बात होती है, उस्ताद बिस्मिल्ला खां का नाम अपने आप जुबा पर प्रकट हो जाता है, बयान होने लगता है. तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं व्हाट इज द समरी, व्हाट इज द थीम ऑफ द सहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खां. आखिर बिस्मिल्ला खां जैसी महान हस्ती बनी कैसे? बिस्मिल्ला खां जैसी हस्ती जिन्होंने भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार हासिल किया, भारत रत्न. न केवल भारत रत्न फ्रेंड्स, उन्होंने पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पदों को भी अलंकृत किया. तो आइए फ्रेंड्स, स्टेंजा बाय स्टेंजा समझते हैं, इसकी समरी को, इसकी थीम को समझते हैं और देखते हैं आखिर उस्ताद बिस्मिल्ला खां जैसी हस्तियां बनती कैसी हैं. आई थिंक ये वीडियो आपको काफी इंस्पायर करेगा, आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा. आइए देखते हैं फ्रेंड्स. फर्स्ट फ्रेंड, वी विल स्टडी द ओरिजिन ऑफ सहनाई. ये सहनाई जो है ना फ्रेंड्स, जिसको आप थंबनेल में वॉच कर रहे हैं फ्रेंड, है ना, बिस्मिल्ला खां सहनाई बजा रहे हैं. इस सहनाई की उत्पत्ति कैसे हुई, सहनाई शब्द कैसे बना, सहनाई इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में हम देखते हैं, समझते हैं फ्रेंड्स. एट फर्स्ट फ्रेंड्स, वी हैव टू नो अबाउट पुंगी. फ्रेंड, जैसे आपने देखा होगा कि जो सपेरा होते हैं, सपेरा लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सांप को डांस कराने के लिए जो बिगुल बजाते हैं, जो यूज करते हैं, क्या कहते हैं, रीडेड इंस्ट्रूमेंट, दैट इज नेम्ड एज पुंगी. तो फ्रेंड, उसकी आवाज़ क्या होती, बहुत ही कर्कश टाइप से होती है ना फ्रेंड. तो देखिए, यहाँ बताया जा रहा है पुंगी वाज अ रीडेड इंस्ट्रूमेंट. पुंगी क्या था, एक नरकट से बना हुआ, एक सरकंडा से बना हुआ, बांस से बना हुआ एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट था फ्रेंड्स पुंगी. इट हैड अ श्रील एंड अनप्लीजेंट साउंड. इसकी जो आवाज़ थी बहुत ही क्या थी, श्रील थी. श्रील मतलब फ्रेंड्स क्या, बहुत ही कड़वी थी और अनप्लीजेंट थी, मतलब मन को अच्छा नहीं लगता, मन को भाता नहीं था. इसी वजह से फ्रेंड्स एम्परर औरंगजेब ने क्या किया, बैंड इट्स प्लेइंग. इसकी माने पुंगी को बजाने पर क्या कर दिया, बैंड लगा दिया. क्यों लगा दिया, क्योंकि इसकी आवाज क्या थी, बहुत ही श्रील थी और अनप्लीजेंट थी. ओके फ्रेंड्स, इट्स प्लेइंग इन हिज पैलेस, मतलब अपने महल में, अपने पैलेस में उन्होंने पुंगी बजाए जाने पर क्या किया, बैन लगा दिया कि आज के बाद पुंगी कोई नहीं बजाएगा, क्योंकि इसकी आवाज बहुत ही श्रील है और अनप्लीजेंट है. मींस जैसे सफेरे लोग बजाते हैं फ्रेंड्स, उसी सेब का जो है ना, उसमें आगे में दो पाइप निकल रहती है, जब बजाते तो बहुत तेज ऐसा लगता है कि कान के पर्दे को फाड़ देगा, उस टाइप से फ्रेंड इसकी अनप्लीजेंट साउंड होती है फ्रेंड्स. बट अ नाई, एक नाई था, उसने क्या किया, मेड अ सिमिलर इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूस्ड मेलोडियस साउंड. और उसी से पुंगी से मिलता जुलता हुआ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक व्यक्ति ने बनाया, जो कि क्या था, पेशे से नाई था. और फिर फ्रेंड्स उस नाई के द्वारा बनाए गए उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या किया गया, शाही दरबार में बजाया गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया सहनाई, है ना फ्रेंड्स, मेड बाई अ नाई, है ना फ्रेंड्स. इट वॉज नेम्ड सहनाई, और इसका नाम क्या पड़ गया फ्रेंड्स, सहनाई नाम पड़ गया. इट वॉज मेड अ ब्रॉडर एंड लॉन्गर हॉलो रीड. और ये जो था पुंगी की अपेक्षा फ्रेंड्स क्या था, काफी चौड़ा भी था और उससे लंबा भी था और साथ ही साथ खोखला था, है ना, सरकंडेज बना हुआ ये भी था, लेकिन बात क्या है कि ब्रॉडर था और लॉन्गर था देन पुंगी. एंड हैड सेवन होल ऑन इट्स बॉडी, और साथ ही साथ उसके बॉडी भी क्या थे, सेवन होल्स थे, जैसे बांसुरी में होते हैं फ्रेंड्स उसी तरह से. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, पॉपुलरिटी ऑफ सहनाई. फिर सहनाई की जो पॉपुलरिटी है शाही दरबार से बाहर कहाँ कहाँ तक फैली, आई उसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स. सहनाई बिकेम पॉपुलर. सहनाई की जो आवाज़ थी बहुत ही मेलोडियस थी फ्रेंड्स, बहुत ही उससे मेलोडियस साउंड निकलता था, जिससे ये क्या होगा, धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा. इट बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, और इसको बजाया जाना
क्या हो गया, ऑस्पिशियस माना जाने लगा, सौभाग्य की बात माने लगी, शुभ माना जाने लगा, इसको शादी विवाह में भी इसको बजाया जाना शुभ माने जाने लगा, ऑस्पिशियस माना जाने लगा। आगे देखते फ्रेंड, इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, आज भी इसको मंदिरों में और शादी विवाह में बजाया जाता है। इन द मॉडर्न टाइम के हिसाब से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैज सो परफेक्टेड इट्स म्यूजिक दैट इट हैज बिकेम क्लासिकल। मतलब आज के समय में भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के द्वारा जब भी शहनाई को बजाया जाता है तो ऐसा लगता है कि हमारे देश की क्लासिकल म्यूजिक है, बहुत ही पुरानी म्यूजिक है, हमारे देश की विरासत है ना फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, बिस्मिल्लाह खान्स लव ऑफ शहनाई। आखिर बिस्मिल्लाह खां में जो है शहनाई के प्रति इतनी आकर्षण कैसे आई, किस तरह से उनका लव जो जीवित था, किस तरह से वह शहनाई के प्रति पागल से हो गए, है ना फ्रेंड। बोलते हैं ना, जिस चीज़ को शिद्दत से चाहिए पूरी कायनात लग जाती है उससे मिलाने के लिए। तो आखिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो है शहनाई के प्रति इतना लव या अफेक्शन कैसे जनरेट हुआ, आइए देखते हैं फ्रेंड्स। बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ शहनाई प्लेयर्स। मतलब बिस्मिल्लाह खां एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जिनके घर में हर कोई शहनाई बजाने में मस्त रहता था। मतलब क्या बोलना चाहिए, शहनाई प्लेयर थे उनकी फैमिली में। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, इनको विरासत में भी मिली, है ना फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ही वॉज बॉर्न ऑन March 21, 1916 इन डुमरो इन बिहार। इनका जन्म क्या हुआ था फ्रेंड, बिहार के डुमरो नामक गांव में हुआ था। एट द एज ऑफ 3, देखिए फ्रेंड, 3 साल की उम्र में इनकी माँ ने क्या किया, टूक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस। मतलब बिहार से कहाँ चली गई, बनारस लेकर के गई, कहाँ पर, बिस्मिल्लाह खां के मामा के यहाँ, मीन्स अपने मैके लेकर गई। और उनके भाई क्या करते थे, शहनाई बजाने में चैंपियन थे, तो उनके पास ले गए, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि मेरा बेटा जो है सबसे बेहतर शहनाई बजाए, तो माँ की यह कृति थी। आगे देखते फ्रेंड्स, ही वॉच्ड हिज मैटरनल अंकल प्रैक्टिस द शहनाई, और उन्होंने अपने मैटरनल अंकल के, अपने मामा के जो है शहनाई बजाने के कर्तव्य को देखा कि किस तरह से बजाते थे, कैसे उसको प्रैक्टिस करते थे, इस चीज़ को उन्होंने वॉच किया एंड वॉच फैसिनेटेड, और वह अट्रैक्ट हो गए और उनको लगा कि काश मैं भी बजा सकूं। बजाने के प्रति उनके अंदर क्या हुआ, एक दिलचस्पी उत्पन्न हो गई फ्रेंड्स। हिज मैटरनल अंकल गिव हिम लेसन्स इन प्लेइंग द शहनाई, और उनके मैटरनल अंकल ने उनको सिखाया कि शहनाई बजाया कैसे जाता है। मतलब उस बजाने के जो भी टिप्स थे वो इंपॉर्टेंट टिप्स उन्होंने उनको प्रदान किया। बिस्मिल्लाह प्रैक्टिस्ड प्लेइंग इट इन द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा। और चूंकि ये बनारस से ले आए थे अपने मैटरनल अंकल के पास, तो बनारस के गंगा नदी के किनारे और साथ ही साथ बालाजी और मंगला मैया मंदिर में जा करके ये प्रैक्टिस किया करते थे, शहनाई बजाया करते थे, है ना फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ही क्रिएटेड न्यू रागास। मतलब उन्होंने शहनाई में नए राग उत्पन्न किए जिसकी वजह से इनको अलग आइडेंटिफिकेशन मिली फ्रेंड्स। इनके मैटरनल अंकल भी, इनकी पूरी फैमिली शहनाई बजाते थे, सब लोग बजाते थे, लेकिन ये खासम खास कैसे बने, क्योंकि इन्होंने शहनाई में नए प्रकार के रागों को उत्पन्न किया जो अभी तक किसी ने उत्पन्न किया था। इसी वजह से इसी न्यू राग ने उनको क्या बनाया, सबसे अलग बनाया फ्रेंड्स। विच वर अर्लियर कंसिडर टू बी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द शहनाई। मतलब शहनाई में वो राग अभी तक नहीं बजाए गए थे, किसी को उम्मीद भी नहीं था कि इतना अद्भुत राग कोई बजा सकता है, तो इन्होंने ऐसा किया, दैट्स वाई ही बिकेम डिफरेंट टू अदर्स। अगर देखते हैं फ्रेंड्स, रिकॉग्निशन ऑफ हिज स्किल, और उनकी जो स्किल थी उसको एक पहचान मिली। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कैसे, एट द एज ऑफ 14, देखिए फ्रेंड 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान एकम्पनीड हीज मैटरनल अंकल, है ना। तो 14 साल की उम्र में फ्रेंड्स वो अपने मैटरनल अंकल के साथ बैठ करके उनके साथ, है ना, कंधे से कंधा मिला करके शहनाई बजा रहे थे, उनका साथ दे रहे थे फ्रेंड्स, है ना फ्रेंड। टू अ म्यूजिक कॉन्फ्रेंस एट इलाहाबाद, मतलब इलाहाबाद में जो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें वो अपने मैटरनल अंकल के साथ शहनाई बजा रहे थे, है ना, एकम्पनी दे रहे थे फ्रेंड्स। देयर ही प्लेड द शहनाई एंड वॉज एडमायर्ड, वहाँ पर उन्होंने जो शहनाई बजाया उसकी काफ़ी तारीफ हुई, उनको काफ़ी प्रशंसा मिली। इन 1938 में ही बिगेन टू प्ले द शहनाई ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ, और 1938 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ के लिए भी क्या किया, शहनाई बजाया।
आगे देखते फ्रेंड, ही हैड द ऑनर टू ग्रीट द इंडिपेंडेंट नेशन फ्रॉम द रेड फोर्ट विद द ऑस्पिशियस म्यूजिक ऑफ सहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। तो जब 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली, तो लाल किले पर जब तिरंगे को सलामी दी जाएगी, तो अब उनको ऐसा बोला गया कि जब जनगण मंगल मंडल हमारा नेशनल एंथम गाया जाएगा, तिरंगे को सलामी दिया जाएगा, तो उस समय आप सहनाई बजाएंगे। कितना बड़ा सम्मान है फ्रेंड्स, है ना। सालों तक हमारे ग्रेट पैट्रियट के द्वारा युद्ध लड़े जाने के बाद, अंग्रेजों को खदेड़ने के बाद जो हमको आज़ादी मिली, उसका जो है ग्रीटिंग किससे किया जा रहा है, उसका वेलकमिंग किससे किया जा रहा है, भाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सहनाई। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हिज वेंचर इन द फिल्म, और उनका पदार्पण फ्रेंड्स कहाँ पर हुआ, फिल्मी दुनिया में भी हुआ। मतलब धीरे धीरे इतने पॉपुलर होने लगे कि फिल्मी दुनिया में भी इनको बुलाया गया। बिस्मिल्लाह खान प्रोड्यूस्ड म्यूजिक फॉर 2 मूवीज, उन्होंने 2 मूवीज में अपनी सहनाई बजाए। क्या नाम है फ्रेंड्स मूवी का, गूंज उठी सहनाई, और साथ ही साथ फ्रेंड सनादी अपन्ना। इन 2 मूवी में उन्होंने क्या क्या सहनाई बजाया है, 2 द फिल्म वर ब्लॉक बूस्टर्स। फिल्म क्या थे, बहुत ही ब्लॉक बूस्टर्स थे, और ये बेचारे सीधे साधे आदमी। तो बिस्मिल्लाह खान वाज सून मिस इल्यूजन्ड विद द ग्लैमर एंड आर्टिफिशियलिटी ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। तो ये क्या हुआ, बहुत ही जल्दी क्या हो गए, मिस इल्यूजन्ड हो गए, बहुत ही जल्दी मायूस हो गए कि मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, जहाँ की दुनिया क्या है, आर्टिफिशियल है और ग्लैमर से भरी हुई है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं फ्रेंड्स, विजिट्स एब्रोड, उसके बाद वह विजिट प्रदेशों में और देशों में भी उन्होंने क्या किया, विजिट किया, एब्रोड में किया। फ्रेंड देखते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स ग्रेट स्किल एट द प्लेइंग सहनाई वाज रिकॉग्नाइज्ड बोथ एट होम एंड एब्रोड। मतलब उनकी सहनाई वादन की जो स्किल थी, उसको न केवल हमारे देश में बल्कि अन्य देशों में भी पहचान मिली, एक आइडेंटिफिकेशन मिला फ्रेंड्स, रिकॉग्निशन मिला। आइए देखते हैं, ही विजिटेड मेनी कंट्रीज एंड ओन ऑनर्स, वह कई देशों का दौरा किया और साथ ही साथ हर जगह उन्होंने क्या किया, सम्मान जीता। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए बहुत बड़ी चीज़ है फ्रेंड्स हमारे इंडियन के लिए, इन तेहरान, और तेहरान में एन ऑडिटोरियम वाज नेम्ड आफ्टर हिम। मतलब एक ऑडिटोरियम का नाम जो है उनके नाम पे रखा गया। क्या नाम है फ्रेंड्स, इट इज कॉल्ड तहर मौसिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ऑडिटोरियम का नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर तेहरान में रखा गया। फ्रेंड्स कितनी बड़ी सम्मान की बात, मैंने आपको बताया कि इनको पहचान न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी मिली। फ्रेंड्स आइए देखते हैं फ्रेंड्स, रिकॉग्निशन इन इंडिया, हमारे देश में इनको कैसी पहचान मिली, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, द नेशन हैज गिवन एम्पली रिकॉग्निशन टू हिज स्किल, और हमारे भारत देश ने इनकी इस स्किल को बहुतायत क्या किया, पहचान दिया। फ्रेंड्स इन 2001 ही वॉज गिवेन अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से इनको नवाजा गया। फ्रेंड्स और साथ ही साथ 2001 में सॉरी फ्रेंड्स ही हैज बीन अवार्डेड नेशनल अवार्ड्स, उनको नेशनल अवार्ड मिला फ्रेंड्स क्या, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। और साथ ही साथ 2001 में उनको भारत की सबसे बड़ी जो है सम्मान से, सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, वह क्या है, भारत रत्न। यदि अंततः इस डिसीजन पर पहुँचा जाए तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या थे, एक पैट्रियट थे, एक देशभक्त थे। फ्रेंड्स बिस्मिल्लाह खां लव्स इंडिया, वह भारत देश से लव करते हैं, ही लव्स द गंगा एट बनारस, बनारस में स्थित गंगा नदी से लव करते हैं, क्योंकि बचपन से गंगा किनारे ये खेले कूदे हैं, है ना फ्रेंड्स। तो आज भी वो क्या करते हैं, गंगा से काफ़ी दिल से जुड़े हुए हैं, उसे लव करते हैं। फ्रेंड्स He loves his native town, और साथ ही साथ अपनी native town को, अपनी native town डुमरा जो कि बिहार में, उसको आज भी उनको लव करते हैं, अपनी मातृभूमि से ये जुड़े हुए हैं आज भी। Like several other maestros, बहुत सारे संगीतज्ञों की तरह, है ना फ्रेंड्स, उस्तादों की तरह इनको भी ऑफर मिला टू सेटल इन द USA, लेकिन इन्होंने भी क्या किया, इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि नो आई विल लीव, आई विल बी सेटल इन माई ओन कंट्री इंडिया। ही विजिट्स हिज फेवरेबल टेम्पल्स इन बनारस। फ्रेंड्स हम जानते हैं कि बनारस को मंदिरों का शहर कहा जाता है,
सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। तो इनके जो फेवरेट मंदिर होते हैं वो आज भी वहाँ पर विजिट करने जाते हैं फ्रेंड्स, एंड प्लेज सहनाई देयर, और मंदिरों में आज भी सहनाइयाँ बजाते हैं। इवन दो ही रिमेन्स अ डिओट मुस्लिम, यद्यपि वो क्या है, धर्मपरायण मुस्लिम हैं, लेकिन फिर भी वो मंदिरों में जाते हैं और सहनाई बजाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे पुरस्कारों से अलंकृत शख्सियत सीधे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में विश्वास करते हैं फ्रेंड्स। तो आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।